सरकार आम जनता में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अलग जगाने का कार्य विभिन्न योजनाओं और अन्य विभागों के माध्यम से करती नजर आ रही है, लेकिन उसके बाद भी निर्दयी परिजनों में बेटियों के जन्म को लेकर कुरीति मानसिकता अभी भी बनी हुई है। इस कुरीति मानसिकता का उदाहरण देवास जिले के बागली थाना क्षेत्र के भेरू घाट के घने जंगल में देखने को मिला, जहां पशु चराने वाले एक चरवाहा ने आज सुबह मासूम नवजात की चीख पुकार सुनकर पास जाकर देखा तो एक फूल सी मासूम नवजात बच्ची लहूलुहान हालत में पेड़ के पत्तों में रखी जमीन पर पड़ी हुई है। उस चरवाहा ने तत्काल बागली थाना पुलिस को इस पूरे मामले की सूचना दी। वहीं सूचना मिलते ही बागली थाना प्रभारी अमित सोनी स्टाफ सहित मौके पर पहुंचे और उस मासूम नवजात को गोद में उठाकर सीधे बागली स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे, जहां ड्यूटी डॉक्टर ने मासूम को जीवित पाया और मासूम नवजात का प्राथमिक उपचार किया। वहीं मासूम को बेहतर उपचार के लिए जिला अस्पताल देवास रेफर किया गया, जहाँ मासूम नवजात का उपचार जारी है। बागली से रवि पाटीदार की रिपोर्ट। जी, आज सुबह एक बच्चे को लाया गया था तो बच्ची पूरी तरह से मिट्टी में सनी हुई थी। सफाई के बाद देखा तो उसके शरीर पर काफ़ी घाव थे और बच्ची के सिर में भी घाव था जिसमें कि कुछ कीड़े निकल रहे थे। बच्चे की कंडीशन क्रिटिकल थी उस समय जब मैंने देखा, तो ऐसी स्थिति में हमने उसका प्राथमिक उपचार किया है और प्राथमिक उपचार करने के बाद बच्ची की स्थिति को स्टेबल करके और देवास के लिए रिफर कर दिया है। कहा जा रहा है कि बच्चे का जन्म भी अपने शासकीय हॉस्पिटल में ही हुआ था, क्या इसके अभी इस विषय में कुछ कहा नहीं जा सकता जब तक कि इसकी जांच ना हो जाए पूरी तरह। घटना पर आज नवजात शिशु मिला है, तो क्या पूरा मामला है? थाना बागली क्षेत्र अंतर्गत बरझई घाट पर भैरू मंदिर है, वहाँ भैरू घाट के पास कुछ लोग अपने बकरे चराने जंगल में गए हुए थे। उन लोगों को किसी बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई दी। वो रोने की आवाज़ पर वहाँ जाकर देखा तो एक नवजात बच्ची थी एक दो दिन पुरानी, तो वो वहाँ पे कोई रख के चला गया था उसको, तो गिर पड़ी थी, वो मिट्टी में सनी हुई थी। उसको उन्होंने लेकर 100 डायल को सूचना दी थी, डायल 100 पहुंचकर उसको यहाँ पे बागली थाने में और बागली हॉस्पिटल में उसको पहुँचाया। सर, अभी क्या पता चल पाया है किसकी बच्ची थी, क्या है कुछ? अभी उसके बारे में हमने अपराध दर्ज कर लिया है और उसकी विवेचना कर रहे हैं और एक टीम हमने वहाँ रवाना कर दी उस क्षेत्र में पतारशी के लिए। जैसे ही कुछ पता चलता आगामी कार्रवाई करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।